लोग 5 महीने लगातार अपना गाड़ी ऑन रखते हैं, गाड़ी के अंदर जम के मर गया। मैं वहाँ पे पीछे लगभग 2 घंटे से आधा से खड़ा हुआ था, तो एक भाई है, ओ मैंने सबूत आयुष हमजा हमजा ओके सो भाई का नाम हमजा है, ये दागिस्तान से चश्मे आप पता होगा ना उस एरिया से। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने डिस्टेंस का उन्होंने मुझे लिफ्ट दिया है, देखते हैं अभी सीन ऐसे है। हमारे लिए तो भाई ये भी खरोशो है, वो नियत खरोशो ओ पासपोर्ट, ये इनका पासपोर्ट है, इंगुशेतिया। भाई साहब मुझसे बात करने के लिए ना अच्छे से ड्राइव नहीं कर रहे, और ये जो रोड है ग्लास की तरफ फिसलता है। सो भाई साहब मैंने सोचा आपको एक अपडेट दे दूँ, मैंने ना इनका मैप देखा, एक्चुअली इनका फ़ोन होता है ना ट्रैकर लाइक गूगल मैप लोकेटर, 530 किलोमीटर्स है, 530 किलोमीटर्स ही डिस्टेंस है उसने रखा, मतलब समझ गए हैं कि वो वहीं जा रहा है। एक लिफ्ट चाहिए था लंबी वाली, एंड आई गॉट इट। तेल भरने कोल्ड का भाई नेक्स्ट लेवल, इंडिया में 100 रुपये लीटर है ना, यहाँ पे लगभग आप बोलिए 55 के आसपास आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी है, मतलब कुल मिला के इक्वेट कर देते वो लोग। मेरे पास कैमरा है यार, कम पड़ जाता सीन भाई, क्या बोले नेक्स्ट लेवल है यार पूरा। आई बिलीव आज रात को ये भी कहीं पर स्टे करेंगे, तो हो सकता है कल सुबह ना मैं कैडिक चैन के लिए इनके साथ ही निकल जाऊं, अगर हो गया ना भाई हे किस्मत हमारी चमक जाएगा। और वहाँ पे यार मून है कि क्या है समझ नहीं आता, पता है यहाँ पे ना पावर भी नहीं आती है इन चीज़ों की, तो लेकिन पता ये रेड चीज़ों की कंट्रास्ट DSLR में एकदम नेक्स्ट लेवल का उभर के आता। ये है हमार पता है बेंजीन है कि क्या, देखता हूँ कि यहाँ पे वाईफाई अवेलेबल है कि नहीं, भगवान करे हो, लेट्स सी। तो यार मैंने अभी एक चीज़ नोटिस की थी मस्त वाला, ये गैस के पीछे देख रहे हो वो ब्लू एंड वाइट सॉर्ट ऑफ थिंग, तो एक्चुअली ना ये रोड के सेक्शन में आई बिलीव 40 या 50 किलोमीटर के सेक्शन, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितना डिस्टेंस के बाद में, लेकिन कुछ सेक्शंस पे ये चीज़ अवेल सेटअप की गई है। एक्चुअली क्या होता है ना विंटर में अक्सर कभी कभी ना गाड़ियाँ नहीं चल पाती, फॉर एग्ज़ाम्पल लोग 5 महीने लगातार अपना गाड़ी ऑन रखते हैं, मतलब लगातार यहाँ पे तेल उड़ते ही रहती है, आप समझ लो कितना कितना महंगा पड़ता है। कभी कभी ना बाय चांस
अगर इंजन बंद हो गया, इंजन ऑन नहीं हो पाएगा कभी, -60 और टेम्परेचर जाता है वो ऑन ही नहीं हो सकता, वो ऑन होगा जब तक आपका राम राम सत्य हो चुका होगा, सिंपल बात। इन चीज़ों से बचने के लिए ना ऐसे चीज़ें सेटअप की गई गई हैं हर डिस्टेंस पे, ताकि वहाँ पे एक्चुअली कुछ खाने का सामान भी है, सैटेलाइट फ़ोन है, ताकि आप बच सको और आप कॉल कर सको लाइक लोकल रेस्क्यू टीम्स को। रेस्क्यू टीम्स लगभग 24 घंटे लगाती है आने में, और यहाँ पे एक्चुअली काफ़ी सीन हुई है। फॉर एग्जांपल 18 साल का लड़का दरवाज़ा भी जाम हो जाता कभी कभी, दरवाज़ा जाम होने की वजह से मर गया, जम गया, गाड़ी के अंदर जम के मर गया, ऐसे सीन भी है। फॉर एग्जांपल ट्रकर का गाड़ी बंद हो गया, उसे अपना ट्रक में जो सामान उसका बचा था, हर एक सामान उसे जलाना पड़ा था। सो भाई साहब एक्चुअली ना जब भी एक्चुअली कोई डेंजर सेक्शन आता है ना रोड का, मैं बात करना बंद कर देता हूँ ताकि भाई साहब को थोड़ा डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि डेंजरस रोड है ना। ओके, सीन ये है अभी, और करंटली हम अभी तुरंत एक मिनट पहले हम कोलाइमा माउंटेन्स में एंटर कर गए। गदर सीन भाई, मम्मी कौन मेरी सेकंड है, ये मेरे लिए नंबर वन है। भी बाहर जाके देखता हूँ ना। अरे यार भाई, ये है गाड़ी, ओ फिसल गया पूरा। अरे गंदा फिसला है, रस्सी बांध दी है किसी ने, हाँ खींचने के लिए है। प्रिया फोटोग्राफी लूज दा दा दा। और हम अभी कोलाइमा हाईवे के बीचों बीच में है। पता नहीं कैसे खींचेंगे अभी, देख रहे हो पूरा ऐसा गंदा फिसला है यार, मतलब पूरा टच कर गया पूरा स्नो को। ये जो कपड़ा जो मैंने पहना है ना, बैरली मैं मैनेज कर पा रहा हूँ, बैरली। अभी मेरे पास पता कैसी ना, दो या तीन जो पतले टी शर्ट है ना, मैं वो भी पहन लूँगा। हर एक कपड़ा जो मेरे पास बचा है सब पहन लेंगे, चाहे वो हाफ पैंट हो या चाहे जो भी पैंट हो। पता नहीं भाई साहब निकलेंगे कैसे, भाई साहब अभी खींचेंगे पता नहीं कैसे। ये गाड़ी उस ट्रक को अभी खींचेगी, क्योंकि हमारा गाड़ी तो इतना पावरफुल नहीं है ना हॉर्स पावर में। जरूर जो पहले उतारती हो ट्रैक्टर बुलडोजर। भाई अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर भी कर दो। सब्सक्राइब जरूर करना, करोगे ना तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।